हाय दोस्तों, देखिए आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन को रख दिया था कढ़ाई के ऊपर, और देखिए ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। ऑयल यहाँ पर मैंने सरसों का लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है। प्याज मैंने यहाँ पर बड़ा साइज में लिया था, तो एक ही प्याज को मैंने कट किया है। आप चाहे तो छोटे पीस हैं तो आप यहाँ पर दो प्याजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ एक प्याज ली है। और यहाँ पर देखिए, मैं इनको सभी को अलग कर दूँगी एक दूसरे से, और इन्हें फ्राई करते हुए हम चलाएँगे। और यहाँ पर अब हमारी ये प्याज फ्राई होके तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हो आप। देखिए प्याजों ने अपना कलर बदल दिया है, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे टमाटर और सभी मसाले हमने इसमें मिक्स कर लिए थे। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से भूनकर दिखाते हैं आपको। इसे भी आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ताकि आपका ये मसाला अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। उसे चलाएँगे। चलाने के बाद देख सकते हो आप किस तरह से हमारी ये रेसिपी बनने के लिए रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है, देख सकते हो आप। और देखिए 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 4 ली थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया था। देखिए मिर्चों को भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। टमाटर इसमें खड़े ना रहने दें, टमाटर खड़े रखोगे तो ये रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से चलाते हुए हम यहाँ पर देखिए इसे तैयार करेंगे। इसे आप यहाँ पर बोल सकते हो, देखिए आलू शिमला मिर्च करी। मैं यहाँ पर इसे एक सब्जी का ही नाम दूंगी। और देखिए ये यहाँ पर मैं इसमें करूँगी बेसन ऐड। बेसन यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है, और आपको खास ध्यान रखना है, आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, वरना आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो देख सकते हो मैंने इसे धीरे धीरे करके अच्छी तरह से मिक्स करके, देखिए इसमें पानी ऐड कर लेना है आपको। पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना आपको इसे पतला या गाढ़ा रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी का ऐड कर लिया है। पानी ऐड करते समय भी हम इसे चलाएंगे, ताकि अच्छे से टमाटर मिक्स हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर शिमला मिर्च और आलू को भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया था। फ्रेंड्स, बहुत ही खास है ये रेसिपी। इस रेसिपी में मैंने आपको एक टिप भी दी है, जिससे आप अपनी रेसिपी को बहुत ही टेस्टी बना सकते हो। देखिए इस तरह से मैं इसे ढक दूंगी। 5 मिनट के बाद देख सकते हो आप, बिल्कुल बनकर हमारे यहाँ पर देखिए सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, 4 से 5 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है ये। आप चाहे तो इसे थोड़ा भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पर इसे इतना ही बनाया है।